गांव के जंगल में टुनटुनी उनकी एक चिड़िया रहती थी। एक दिन वो अपने घोंसले के बाहर बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी, तभी वहाँ एक मॉडर्न कबूतरी आती है। उसके साथ उसकी दो और सहेलियाँ थीं। ये सभी एक कार से आई थी। मॉडल कबूतरी की आंखों पर महंगे चश्मे चढ़े थे। वो टुनटुनी से कहती है, अरे ओ चिड़िया, यहाँ कहीं ठंडा पानी पीने को मिलेगा? प्यास लगी है, गला सूख रहा है। मेरा नाम टुनटुनी है, बताए देती हूँ, आगे से मुझे चिड़िया हरगिज मत कहना, और यहाँ कहीं तुम्हें ठंडा पानी नहीं मिलेगा। रुको, मैं तुम्हें अपने घड़े का ठंडा पानी पिलाती हूँ। टुनटुनी घर के अंदर पानी लेने चली जाती है। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, जल्दी कोई होटल मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। जब ही टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर आ जाती है, ये लो मेम साहब ठंडा ठंडा पानी। कबूतरी पानी लेकर जैसे ही पानी पीती है, अरे ये पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, क्या तुम्हारा यहाँ फ्रिज नहीं है? फ्रिज? ये किस बला का नाम है, मेरे यहाँ कोई फ्रिज नहीं है, मेरे यहाँ तो घड़े में ही पानी ठंडा करते हैं। तू तो जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू टाइम नहीं है। अरे नाराज़ क्यों होती हो टुनटुनी चिड़िया, मैंने पानी पी लिया, पानी और लाकर दे दो, मेरी सहेलियाँ भी प्यासी हैं। चिड़िया सभी को पानी पिलाती है। अच्छा टुनटुनी, मुझे ये बताओ, यहाँ कोई होटल मिलेगा? हम लोग शहर से गाँव घूमने आए हैं और दो दिनों तक यहीं रुकेंगे। होटल? यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा मेम साहब, ये गांव है गांव, यहाँ तो बस मेरे घर की तरह ही घर मिलेंगे। टुनटुनी, मेरा नाम बुलबुल कबूतरी है, तुम मुझे बुलबुल कहकर बुला सकती हो। अच्छा टुनटुनी, तुम मुझे अपने जैसा ही एक घर दिला दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे दूँगी। लेकिन बुलबुल कबूतरी, मेम साहब इस जंगल में कोई पक्षी अपना घर किसी दूसरे पक्षी को नहीं देता, ऐसा करिए आप सभी लोग मेरे घोंसले में रुक जाइए। तुम सही कह रही हो टुनटुनी, हम सभी तुम्हारे घर रुक जाते हैं। तोती कौवे, चलो गाड़ी से सारा सामान निकाल कर ले आओ, हम सभी लोग यहाँ टुनटुनी के घर में दो दिन रुकेंगे। बुलबुल कबूतरी घोंसले के अंदर आती है। टुनटुनी जल्दी से एसी ऑन कर दो, बहुत गर्मी लग रही है, ये गर्मी तो लगता है जान निकाल देगी। कबूतरी मेम साहब, ये लीजिए हमारे गांव का एसी, इससे अपनी गर्मी दूर भगाएं। टुनटुनी चिड़िया सभी को एक एक पंखा देती है। बुलबुल कबूतरी हैरान चेहरे से उस पंखे को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये गांव के पक्षी कितने भोले भाले होते हैं, इन्हें तो शहर की मॉडर्न जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता। शाम को टुनटुनी चिड़िया अपने हाथों से चाय बनाकर इन सभी को पिलाती है। ये लीजिए मेम साहब, मेरे हाथों की बनी गुड़ की चाय, गांव में हम सभी पक्षी गुड़ की ही चाय पीते हैं। व्हाट? टुनटुनी, तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय तो बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर टुनटुनी चिड़िया सबको ले जाकर गांव घुमाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती बुलबुल कबूतरी से हो जाती है। अच्छा टुनटुनी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूँ शहर, तुम मेरे साथ शहर चलोगी? ना भाई ना, मैं शहर नहीं चलूँगी, मैंने सुना है शहर में बहुत सी गाड़ियाँ चलती हैं, कहीं मैं उन गाड़ियों के बीच आ गई तो? तभी टुनटुनी चिड़िया की सहेली कवि कहती है, अरे टुनटुनी तुम बेकार में डर रही हो, अपने इस छोटे से गांव के जंगल से निकलकर शहर के जंगल को देखोगी तो समझ में आएगा कि जमाना कितना आगे निकल गया है। सबके बहुत समझाने पर टुनटुनी चिड़िया शहर जाने को तैयार हो जाती है। फिर टुनटुनी कार में बैठकर शहर आ जाती है और बुलबुल कबूतरी के घर की सजावट देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें फटी रह जाती हैं। अगले दिन बुलबुल कबूतरी उसे पूरा शहर घुमाती है। शहर की चकाचौंध देखकर टुनटुनी चिड़िया फैसला करती है कि अब वो गाँव नहीं जाएगी, वो शहर में ही रहकर कोई काम धंधा करेगी। वो बुलबुल कबूतरी से कह, बुलबुल मेम साहब मुझे भी कोई काम धंधा दिला दो, मैं भी आपकी तरह शहर में रहकर मॉडल बनना चाहती हूँ, मुझे ये शहर इतना पसंद आ गया है कि मैं अब गांव जाना नहीं चाहती। बुलबुल कबूतरी उसे अपनी कंपनी में जॉब दे देती है।
फिर टुनटुनी चिड़िया उस शहर में रहने लगती है।